यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो चंबा से आ रही है। एक बार फिर से सीमेंट प्लांट शुरू होने जा रहा है। सांसद शांता कुमार का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर चंबा से आपको दे रहे हैं, जहां पर सांसद शांता कुमार का बयान सामने आया है कि एक बार फिर से सीमेंट प्लांट शुरू होगा और राजनीतिक अड्डा इसे नहीं बनने दिया जाएगा। ये बड़ा बयान शांता कुमार की ओर से सामने आया है। आपको बता दें कि राजनीतिक अड्डा इसे नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही युवाओं में रोजगार की आस भी इसके बाद कहीं ना कहीं जग गई है और सिकरी धार में बंद पड़ा है सीमेंट प्लांट, जिसे अब फिर से शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर चंबा से आपको दे रहे हैं, जहां पर राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें तो राजनीतिक अड्डा इसे नहीं बनने दिया जाएगा, शांता कुमार की ओर से ये बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि युवाओं में कहीं ना कहीं रोजगार की आस इसके बाद से जग गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सांसद शांता कुमार का बयान यहां पर सामने आया है। चंबा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बंद पड़े सीमेंट प्लांट का फिर से शुभारंभ किया जाएगा, एक बार फिर से शुरू होगा और राजनीतिक अड्डा इसे नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही युवा जो है, हिमाचल के जो युवा हैं, उनमें कहीं ना कहीं रोजगार की आस जग गई है कि कहीं ना कहीं रोजगार इस प्लांट के जरिए उन्हें मिल जाएगा। तो इसी बीच बड़ी खबर पालमपुर से आ रही है, जहां पर गैंगरेप मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी को आर्थिक सहायता और संरक्षण देने का भी उस पर आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही पालमपुर गैंगरेप का ये मामला है, जहां पर एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो मुख्य आरोपी को आर्थिक सहायता और संरक्षण देने का आरोप भी लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अब एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही थी और तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी थी, जिसके बाद अब एक और आरोपी को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पर शास्त्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकल पाने के कारण परीक्षार्थी जो है उनमें रोष देखा जा रहा है। रिजल्ट न निकलने पर अभ्यर्थी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एचपीएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि शास्त्री का जो रिजल्ट है, शास्त्री की परीक्षा का रिजल्ट है, उसे न निकलने के चलते युवकों में काफी रोष देखा जा रहा है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर शास्त्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकला, जिसके बाद युवकों में काफी रोष देखा जा रहा है और अभ्यर्थी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लंबे वक्त से शास्त्री परीक्षा का परिणाम न आने से ये लोग परेशान हैं, जिसके चलते प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मांग सरकार से रखी जा रही है कि जल्द से जल्द कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये परिणाम घोषित किया जाए। हमीरपुर में छात्रों की ओर से कर्मचारी चयन आयोग का के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि लंबे वक्त से परीक्षा का परिणाम नहीं आया है, जिसके चलते रोष जो है वो देखा जा रहा है छात्रों में और कहीं ना कहीं मांग उनकी ओर से की जा रही है कि जल्द से जल्द परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएं। आपको बता दें कि शास्त्री की परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं आया है और रिजल्ट न निकलने से अभ्यर्थी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर धर्मशाला से है, जहां पर कांगड़ा की श्रेया ने नाम रोशन किया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर स्पेस ओलंपियाड के टॉप 10 में श्रेया ने जगह बनाई है। श्रेया ने एक बार फिर से हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है। हिमाचल की बेटी ने यहां पर नाम रोशन किया है। स्पेस ओलंपियाड के टॉप 10 में श्रेया ने अपनी जगह बनाई है और दिल्ली में श्रेया को सम्मानित भी किया गया।
तो हिमाचल की बेटी को दिल्ली में भी सम्मानित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कांगड़ा की रहने वाली है श्रेया और कांगड़ा की श्रेया ने एक बार फिर से हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है। साथ ही आपको बता दें स्पेस ओलंपियाड के टॉप 10 में जगह बनाई है, जिसके बाद सम्मानित भी उन्हें किया जा रहा है। दिल्ली में श्रेया को सम्मानित किया जा रहा है और श्रेया जो है वो हिमाचल की रहने वाली है। आपको बता दें हिमाचल के कांगड़ा की रहने वाली ये श्रेया है जिन्होंने अब एक बार फिर से हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है। तो हिमाचल की बेटी को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा, साथ ही स्पेस ओलंपियाड के टॉप 10 में श्रेया ने जगह बनाई है। तो धर्मशाला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांगड़ा की श्रेया ने हिमाचल का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है। तो दिल्ली में श्रेया को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि कांगड़ा की रहने वाली है श्रेया, कांगड़ा जिले की रहने वाली है, हिमाचल की बेटी है और दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया जाएगा क्योंकि स्पेस ओलंपियाड के टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हिमाचल की बेटियां लगातार हिमाचल का नाम रोशन करती आई हैं, चाहे वो शालू ठाकुर हो या फिर कोई और हो, हमेशा ही हिमाचल की बेटियां हिमाचल का नाम रोशन करती आई हैं, जिसके बाद एक बार फिर से हिमाचल की ऐसी ही एक बेटी ने, होनहार बेटी ने हिमाचल का नाम रोशन किया है। स्पेस ओलंपियाड के टॉप 10 में जगह बनाई है श्रेया ने और श्रेया कांगड़ा की रहने वाली है।